हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक सस्पेंस छोड़ा था, एक क्वेश्चन छोड़ा था कि चार्ज के दो टाइप मिले थे हमें और उनको हमने आर्बिट्रेरीली नाम दिए थे एक्स एंड वाई। और इन दोनों के फिर हमने नाम रखने थे। तो हम जानते हैं कि हमने एक एक चार्ज को पॉजिटिव नाम दे रखा है और दूसरे चार्ज को हमने नेगेटिव नाम दे रखा है। तो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था कि इन चार्जेस को ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों दिए गए थे, इसके पीछे लॉजिक क्या था कि भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो आज इस लॉजिक को हम जानेंगे कि इनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों दिए गए थे। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ चार्जेस को जो नाम दिए थे वो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दिए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे। तो इन्होंने क्या लॉजिक निकाला, क्या लॉजिक दिया जिससे इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम निकाले थे। कि आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये साहब आपका एक प्रोटॉन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के पास अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन लेकर आए तो हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। अगर इस प्रोटॉन के पास इस इलेक्ट्रॉन को लेकर आए तो जाहिर सी बात है ये जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अब क्या है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को और इस प्रोटॉन को, अगर इस इलेक्ट्रॉन को और इस प्रोटॉन को दोनों को स्क्यूज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, स्क्यूज कर दिया जाए। स्क्यूज मतलब आप ऐसे समझिए जैसे कि दो लड्डू हैं हमारे पास, बूंदी के लड्डू हैं, और दोनों बूंदी के लड्डू को हमने मिलाया और उनको मिला के एक बड़ा लड्डू बना दिया, दैट प्रोसेस इज स्क्यूज। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को स्क्यूज कर दिया। अब इस लड्डू के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अब इस सिस्टम के पास जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं, इस सिस्टम के पास हम इस इलेक्ट्रॉन को लेकर आए तो हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जिसके अंदर है, ये इस इलेक्ट्रॉन पर अब कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाता है, ना ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना इसको रिपेल कर रहा है। मींस ये सिस्टम ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि इस पर कोई चार्ज ना हो, जैसे कि इस पर कोई चार्ज ना हो। अगर किसी बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है तो उसको हम टेक्निकली बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। क्या बोलेंगे उसे हम, न्यूट्रल बॉडी। इट मींस ये न्यूट्रल बॉडी है, मतलब ये ऐसे बिहेव कर रही है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है कि भाई उस पर जैसे कोई चार्ज है ही नहीं। इट मींस जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के एक सिस्टम बनाया गया तो वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि उन पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब उन दोनों ने एक दूसरे के चार्ज की प्रॉपर्टी को कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो दोस्तों, कैंसिल आउट तो मैथमेटिक्स में होता है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मैथमेटिक्स बड़े कमाल की चीज होती है, मैथमेटिक्स बोलता है। तो मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस कैंसिल आउट होते हैं। तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इन दोनों ने एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कैंसिल आउट कर दिया। इट मींस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लॉजिक लगाया कि भाई कैंसिल, तो कैंसिल आउट की प्रोसेस तो मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस के बीच होती है कि प्लस टू से माइनस टू कैंसिल हो गया, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, प्लस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल हो गया। तो ये तो ऐसे प्लस और माइनस की तरह बिहेव कर रहे हैं कि प्लस माइनस दोनों मिले, दोनों ने कैंसिल कर दिया और दोनों पर चार्ज हो गया क्या, जीरो। दोनों पर चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां से उन्होंने लॉजिक लगाया कि भाई ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने नाम दिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब दोस्तों, यहां पर एक बात ये आती है कि हमारे पास फंडामेंटली दो पार्टिकल्स हैं अभी तक, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अब उनमें से किसको हम पॉजिटिव नाम दें चार्ज को और किसके चार्ज को हम नेगेटिव नाम दें, तो ये कन्वेंशन है। कन्वेंशनली प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसको पॉजिटिव नाम दिया जाता है और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव नाम देते हैं।
प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। कहने का मतलब ये कन्वेंशन है, अगर उस समय ये कन्वेंशन बना होता कि भाई इलेक्ट्रॉन वाले को पॉजिटिव देंगे और प्रोटॉन वाले को नेगेटिव नाम देंगे तो इट डजंट मैटर। तो कन्वेंशनली ये चला रहा है कि प्रोटॉन वाले चार्ज को हमने नाम दिया पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन वाले नाम को दिया हमने नेगेटिव नाम। तो दैट इज द रीजन कि हम इनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों देते हैं। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नाम नेगेटिव नाम इसलिए देते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्जेज होते हैं जब दोनों को एक साथ कर दिया जाता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट की प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस में होती है, तो वहां से हमें लॉजिक मिला कि भाई एक को पॉजिटिव नाम देते हैं और दूसरे को नेगेटिव नाम देते हैं। ठीक है साहब, अब साहब हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे तो उसको ही कंटिन्यू करना है। अब हमें ये पहली बात थी चार्ज के बारे में। अब साहब दूसरा पॉइंट है हमारा सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल ऑफ चार्ज। तो दोस्तों आप जब देखोगे किसी बुक में चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट किया गया है और किसी बुक में स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है, तो आप जो आपको कंफर्टेबल लगे आप चाहे कैपिटल क्यू से डिनोट कीजिए चार्ज को, चाहे स्मॉल क्यू से डिनोट कीजिए, आप फ्री है। तो ये हो गया साहब आपका चार्ज का सिंबल। अब कहीं जहां कहीं भी हम चार्ज की बात आएगी हम उसको क्यू से डिनोट करेंगे। थर्ड पॉइंट है साहब आपका चार्ज के बारे में, चार्ज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट मींस चार्ज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है इसमें। आपने पढ़ा था ना 11th में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। तो चार्ज में केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कहीं पर क्यू ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है चार्ज के बारे में, इट मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर कहीं पर आपको क्यू लेस देन जीरो दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज कि वो नेगेटिव चार्ज है। याद रखना ये, अगर आपको कहीं पर क्यू ग्रेटर देन जीरो है इट मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर कहीं पर क्यू लेस देन जीरो गिवन है तो वो नेगेटिव चार्ज है। फोर्थ पॉइंट है आपका यूनिट्स ऑफ चार्ज। भाई चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ही ये होता है कि एनीथिंग एल्स विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको हम मेजर कर सकें। और बहुत बेसिक सी बात है, आप 11th से पढ़ के आए हैं, पहले ही चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमें कुछ यूनिट्स की जरूरत होती है कि भाई हम इसको किस में मेजर करें। हम इसको किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, या हम इसको सेकंड में मेजर कर रहे हैं, या मीटर में मेजर कर रहे हैं। तो सिमिलरली चार्ज को जब हम मेजर करेंगे तो किस यूनिट में मेजर करेंगे, तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम, और इसको हम सिंबल देते हैं कूलॉम को कैपिटल सी। कूलॉम वाज़ अ फिजिसिस्ट और उनके नाम पर चार्ज की यूनिट को रखा गया है कूलॉम। क्लियर। देन सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होती है स्टैट कूलॉम और ESU, और इसकी फुल फॉर्म होती है ESU की, इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये यूनिट है, ये यूनिट का नाम है, जैसे न्यूटन कूलम, तो वैसे ही ये पूरी एक यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट CGS यूनिट होती है। अब दोस्तों देखो लॉजिक है सिंपल सा, कि जैसे हम जानते हैं कि मास की SI यूनिट किलोग्राम होती है, CGS यूनिट ग्राम होती है, तो उनमें हमें एक रिलेशन पता है कि भाई 1 kg में इतने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहां पर भी वो चीज हमारे माइंड में आनी चाहिए कि भाई ये SI यूनिट है कूलॉम, ये CGS यूनिट है, तो इनमें भी तो कोई रिलेशन होना चाहिए कि भाई 1 कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम होते हैं। हाँ, तो 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3×10⁻⁹ स्टेट कूलॉम। 1 कूलॉम में कितने स्टेट कूलॉम होते हैं दोस्तों?
3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। और दोस्तों लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे बड़ी जो यूनिट होती है चार्ज की वो होती है साहब आपके फैराडे। क्या होती है? फैराडे। फैराडे चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट है। और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है अप्रोक्स 96500 कूलम। 1 फैराडे में इतने सारे कूलम्स होते हैं। सो दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है साहब आपका चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो दोस्तों ये जो कंजर्व्ड, आपने ये कई जगह पढ़ा होगा फिजिक्स में, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ठीक वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का सिंपल मीनिंग होता है दोस्तों कि कोई फिनोमेना हो रही है और उस फिनोमेना के होने से पहले एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिनोमेना के होने से पहले वो एक्स थी सपोज, और उस फिनोमेना के होने के बाद भी वो एक्स रहे, इट मींस उसमें कोई चेंज ना आए, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आए, जितनी फिनोमेना के होने से पहले थी वो क्वांटिटी उतनी ही फिनोमेना होने के बाद है, तो हम कहते हैं कि दैट क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। तो चार्ज इज कंजर्व्ड। इस नेचर में जब भी कोई फिनोमेना हो रही होगी वो इस तरह से हो रही होगी कि उस फिनोमेना के होने से पहले जितना टोटल चार्ज था उस फिनोमेना के होने के बाद भी टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? आई होप यू गॉट इट। तो चार्जेस कंजर्व्ड का जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं, तो चार्जेस कंजर्व्ड का मीनिंग क्या है? क्यू आई इज इक्वल टू क्यू एफ, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू एफ मीन्स फिनोमेना ई आई, क्यू आई मतलब इनिशियल चार्ज, क्यू एफ मतलब फाइनल चार्ज, मतलब फिनोमेना के होने से पहले जितना चार्ज था फिनोमेना के होने के बाद भी उतना ही चार्ज रहेगा। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो एक एग्जाम्पल है, एक फिनोमेना होती है जिसको हम बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन, पेयर एनिहिलेशन। तो इस फिनोमेना में क्या होता है, एक पार्टिकल होता है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और एक दूसरा पार्टिकल होता है आपका पॉजिट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिट्रॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन दोनों के मास इक्वल होते हैं, बिल्कुल डिट्टो इक्वल होते हैं। इसको पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंटी पार्टिकल क्या है, तो एंटी पार्टिकल के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा 15 to 20 minutes की, और मैं आपको उसमें एक ओवरव्यू दूंगा एंटी पार्टिकल्स के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा वो। तो ये एंटी पार्टिकल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, मान लीजिए यहां पर इन दोनों ने एक दूसरे से कोलाइड किया, ये वो जगह है जहां कोलिजन नाम की एक फिनोमेना हुई। तो कोलिजन होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, तो हमें मिलता है 2 गामा फोटॉन्स मिलते हैं। आपने गामा रेज सुनी होंगी, तो हमें उस रेज के 2 फोटॉन मिलते हैं, गामा रेज के 2 फोटॉन मिलते हैं। दैट इज द फिनोमेना मीन्स पेयर एनिहिलेशन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दे विल एनिहिलेट ईच अदर, दे विल डिस्ट्रक्ट टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, और दे कन्वर्ट इनटू अ फ्लैश ऑफ लाइट, वो एक फ्लैश ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, वो आपने देखा होगा वो सीरियल्स आते हैं, जैसे रामायण है महाभारत है, तो उसमें साहब एक तरफ से राम जी ने तीर छोड़ा अपना, दूसरी तरफ से रावण ने अपना तीर छोड़ा, वो दोनों हवा में मिलते हैं, और हवा में मिलने के बाद क्या होता है, वहां पर एक फ्लैश ऑफ लाइट
जनरेट होती है, दोनों के जो मतलब तीर हैं अपने अपने वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटॉन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो वो एक फ्लैश ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनिहिलेशन का मतलब ये डिस्ट्रक्शन, खत्म करना एक दूसरे को। तो ये फिनोमेना है। अब देखो इस फिनोमेना में, फिनोमेना के होने से पहले टोटल चार्ज कितना है, क्यू आई तो -1.6 ये चार्ज है इस पर और ये चार्ज है इस पर, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो फिनोमेना के होने से पहले टोटल चार्ज है हमारा जीरो। अब फिनोमेना होने के बाद क्यू एफ, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन न्यूट्रल होता है, तो जीरो जीरो, तो यहां पर जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब क्यू आई इक्वल टू क्यू एफ, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपल है, ये मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया है। कभी भी कहीं भी अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसमें आइसोलेट सिस्टम में कुछ भी प्रोसेस हो रही है, कोई भी फिनोमेना हो रही है, तो समझिए कि वहां पर जितना चार्ज उस प्रोसेस के होने से पहले था उतना ही चार्ज उस प्रोसेस के होने के बाद रहेगा, दैट इज चार्ज कंजर्व रहेगा। ओके नेक्स्ट। अब साहब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट है हमारा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यूं समझिए कि आपका जो 12th का जो फर्स्ट वॉल्यूम है एनसीईआरटी का, फिजिक्स का जो फर्स्ट वॉल्यूम है, यूं समझिए कि वो इस पॉइंट, ये पॉइंट उस पूरे वॉल्यूम को समराइज कर देगा। क्या कह रहा है ये कि ये अगर चार्ज है साहब और ये चार्ज है आपका रेस्ट में, ये चार्ज है आपका रेस्ट में, तो इट विल प्रोड्यूस, मतलब चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। क्या प्रोड्यूस कर लेगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। अगर यही चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा उसकी में, और वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं है इट मींस उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड सिचुएशन है कि अगर वही चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, कैसी मोशन में है, एक्सेलरेटेड, अगर वही चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो दोस्तों वो आपका तीन चीजें प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आ गया, नीट वगैरह में भी आ जाता है, आपके सीबीएसई में अब एमसीक्यू आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट विल प्रोड्यूस। आपको ऑप्शन दे दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हेन चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल प्रोड्यूस, व्हेन चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन इट विल प्रोड्यूस। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं जो कह रहा था ना कि पूरा जो आपका 12th का जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो इन तीन पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेगा। देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे थ्रू आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज रेस्ट में रहेगा और वो केवल क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमने बात कही थी ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, तो स्टडी करना क्या है हमें, तो हमें यही स्टडी करना है कि
चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसके उसका उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करनी है हमें। सिमिलरली जब हम सेकंड यूनिट में जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर वही चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगेगा तो वहां पर करंट होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। और थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चार्ज मोशन में है। करंट क्या होती है भाई, करंट क्या होती है, चार्ज इन मोशन। तो चार्ज मोशन में है और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और लास्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो समझ जाइए अब लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मींस वहां पर वो वही चार्ज कैसी मोशन कर रहा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा। तो यूं समझिए कि पूरा फर्स्ट वॉल्यूम आपका इन तीन कंडीशंस को स्टडी करेगा चार्ज की, चार्ज रेस्ट में है, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है। फर्स्ट वॉल्यूम खत्म, आर यू गेटिंग ऑर नॉट। 6 पॉइंट, नेक्स्ट 7 पॉइंट है आपका चार्ज इज चार्ज इज इनवेरियंट। इनवेरियंट का मतलब होता है डज नॉट चेंज। इनवेरियंट वर्ड का मतलब होता है डज नॉट चेंज, मतलब चार्ज डज नॉट चेंज, चार्ज डज नॉट चेंज, कब चेंज नहीं होगा सर। तो दोस्तों ये कह रहा है कि सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है हमारा सपोज रेस्ट में, तो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो इस पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। जब ये रेस्ट में है। अब सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये v वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो अब क्वेश्चन है क्या इसके चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, क्या इसके चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज आएगा। तो जवाब है कि चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। मींस ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इस पर इतना चार्ज है, जब यही इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा तब भी इस पर उतना ही चार्ज रहेगा। मींस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अब सब मैं ऐसे ही क्लास ले रहा था तो एक बच्चा था, बोला कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। बात तो सही है, उसका क्वेश्चन तो सही था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अपने माइंड में व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हैं इनको साथ लेकर बैठो, पूछो कैसा, क्यों, कैसे। तो जैसे मैंने आपको यहां बता दिया कि भाई चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, तो माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए आपको कैसे पता चला साहब, आप कैसे कह सकते हो कि चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, जस्टिफाई कीजिए इस बात को। तो दोस्तों ये बात जस्टिफाई करनी है कि चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये बात जानने के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, थैंक यू।